दोस्तों नमस्कार आदाब सत चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज का एपिसोड हर किसी के लिए जरूरी है स्पेशली उनके लिए जो डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा हल्के में लेते हैं आज हमारे बीच एक ऐसी मेहमान हैं जिनकी कहानी बहुत सारे लोगों को प्रेरित करेगी और सोचने के लिए मजबूर करेगी सोईे मिलकर स्वागत करें आज हमारी मेहमान हैं फरीदा खान जी फरीदा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू एवरी वन गुड मॉर्निंग मेरा नाम फरीदा खान है और सर का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ पे बुलाने के लिए इनवाइट करने के लिए तो थैंक यू सर थैंक यू सो मच फरीदा जी uh, फरीदा जी का परिचय मैं थोड़ा और uh, डिटेल में देना चाहता हूँ uh, देखिए ऐसा कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी हर जगह ही यू you नो know, डिमांड रहती है और ऐसे एक हमारे साथी थे रिजवान खान जी रजवान जी के साथ मेरा बड़ा एक अच्छा रिश्ता था एक बड़ा इमोशन उनके साथ में जुड़ा हुआ था और हमने साथ में काम तो करते ही करते थे हमने साथ में एक पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग ली छः महीने तक तो उसमें रिजवान जी और मैं हर सप्ताह मिलते थे तीन चार घंटे साथ में रहते थे तो उससे और हम बहुत नज़दीक आ गए और दुर्भाग्य से कोविड के टाइम पे रिजवान जी हमारे बीच में नहीं रहे आ, फरीदा जी चूँकि डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई थी तो उन्होंने आगे बढ़ाया जो लेगेसी रिजवान जी छोड़ के गए थे और पीछे एक हमारा प्रोग्राम था डायरेक्ट सेलिंग विराट महिला उद्यमी सम्मेलन तो उसमें आ, मैंने फरीदा जी आपका जो यू नो you know, एक्टिवनेस देखा जी। आप एक्टिवली इन्वॉल्व थे काम कर रहे थे आपको वहाँ पे सम्मानित भी किया गया जी। तो उससे मुझे लगा कि आपकी कहानी हर डायरेक्ट सेलर तक जानी चाहिए तो उस नाते हमने आपको आमंत्रित किया और आपने समय निकाला तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आप मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो आपने समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और शुरुआत हम आपकी कहानी से शुरू करते हैं बिल्कुल एकदम इनिशियली जन्म से लेके पढ़ाई लिखाई शादी डायरेक्ट सेलिंग वहाँ से शुरुआत करते हैं जी सर तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी मेरा जो जन्म हुआ है वो नेपाल में हुआ और मैं नेपाल में ही पली बढ़ी मेरा एजुकेशन जो है वो नेपाल और इंडिया दोनों से हुआ और हम बहुत छोटे छोटे थे जब भी मेरे पापा की डेथ हो गई थी और फिर मेरी मम्मी हमें संभाली और प्रॉपर्टी की बात करूं तो इतना था कि मेरी मम्मी को कहीं जाना नहीं पड़ा था उसी से हमें पाली हम छः बहन दो भाई हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन एक जो कमी होती है पेरेंट्स की वो कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा चुपती थी इसलिए शायद मैं बहुत शाये रह गई क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत मतलब जुड़ी हुई थी और वो चीज़ जो था वो मेरे आज तक मेरे अंदर था और कोई भी मुझसे अगर ये बात करता था कहीं के फादर का आता था तो मैं वहाँ पे बता नहीं पाती थी वहाँ पे पहले मेरे आँख से आंसू निकल जाते थे लेकिन फिर जैसे हम बड़े हुए तो इसलिए कहीं ना कहीं शादी के लिए भी मैं तैयार नहीं थी कि मैं मतलब करूं लेकिन हर पूरी दुनिया में एक तो फैक्ट है कि शादी तो करनी पड़ती है और उसके बाद मैं फिर मैं, मतलब शादी हुई और मैं दिल्ली आ गई नेपाल से पहले हस्बैंड को बिल्कुल भी उनका फ़ोटो भी नहीं देखी थी मैं क्योंकि मैं करना ही नहीं चाहती थी पूरी तरह से कि नहीं मुझे करना नहीं है और उसके बाद में आई यही बस एक एक चीज़ मुझे जो सबसे अच्छा पूरे रिश्ते में लगा था डिग्री तो चलो ठीक है इंजीनियर थे हर कोई बात करता था तो इतना मुझे फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि पैसे से जो कमी है वो कभी भी मैं नहीं देखी थी पापा नहीं थे ठीक था लेकिन इतनी प्रॉपर्टी थी कि हमें कभी भी पैसे की कमी नहीं लगी थी लेकिन जो एक रिश्ता था वो लगती थी मुझे मैं देखती थी मेरे पापा का भी आ, मतलब बर्थ भी नहीं हुआ था नौ महीने के पेट में थे जब ही मेरे दादा की डेथ हो गई थी तो वो चीज़ मेरे अंदर था कहीं ना कहीं कि कुछ चीज़ें होता है ना कि माइंड में थोड़ा सा तो इसलिए लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था पूरे रिश्ते में जो है वो ये लगा था जब मैं ये सुनी थी कि तीन भाई एक बहन है तो मुझे लगता था हम बीच के थे तो इधर भी हैं इधर भी हैं मतलब पूरे जो रिश्ता जो था वो मुझे सबसे स्ट्रांग लगा था और फिर मतलब शादी हुई जब आई तो यहाँ पे जो देखी एक फासला मईके और ससुराल में वो था पैसे को लेके अगर हम एक हाई मिडिल क्लास में थे तो सर बहुत लोअर मिडिल क्लास में जो हस्बैंड का बैकग्राउंड था उससे भी मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा मैं कभी भी अपने मैके में जाके कोई चीज़ के ये नहीं कही कि मेरे मेरी कहाँ पे शादी करनी या इस चीज़ की कमी है वहाँ पे यहाँ पे जब हमारे वहाँ पे था तो एक चीज़ ये देखती थी कि कभी भी हमारे यहाँ उधार लेना अच्छा नहीं माना जाता था बैंक से लोन लेना क्या होता है हमें नहीं पता था और यहाँ पे मैं देखती थी जब दरवाज़ा खुलता था तो कोई कर्ज़ वाला आके बेल बजाता था तो दरवाज़ा खुलता था और कर्ज़ वाले के जाने से ही दरवाज़ा बंद होता था तो कुछ दिन तो मैं समझ नहीं पाई थी कि ये चीज़ क्या है फिर धीरे धीरे समझ में आया कि कितना कर्ज़ है इसीलिए हस्बैंड जब हैं नौकरी करते थे तो मुझे पता नहीं कि उनकी सैलरी कितनी है क्योंकि मैं कभी पूछी नहीं थी तो मुझे लगता था कि एक इंजीनियर हैं बहुत ज़्यादा सैलरी होगा क्योंकि पूछी नहीं थी तो उस चीज़ से मैं बेफिक्र रहती थी <laughs> कहीं ना कहीं वो एक अदर कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे कि कहीं और से पैसे आएगा जब ही ये चीज़ सब खत्म होगा फिर उनको डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट किसी ने बताया और वो ज्वाइन किए वहाँ पे काम करना शुरू किए जब तक एक बेटी भी हो गई थी तो उसके भी खर्चे बढ़ गए थे तो वहाँ से उनका डायरेक्ट सेलिंग का जो जर्नी है वो शुरू हुआ ये की बात 2001 ये, दो हज़ार हाँ दो हजार एक की नहीं दो हजार इक्कीस में नहीं सॉरी दो हजार एक में दो हज़ार दो हज़ार एक में हुई जी. हाँ तो वहाँ से फिर डायरेक्ट सेलिंग का जो जर्नी हुआ शुरू हुआ और कभी भी मैं किसी काम से डिमोटिवेट नहीं होती थी एक चीज़ मैं हमेशा सीखी थी कि जहाँ से हमारे खाने की मतलब आ रहे हैं उस प्लेटफॉर्म की हमेशा इज्जत करो वो रोज़ी जो ऊपर वाला दे रहा है उसकी इज़्ज़त करो तो इसलिए मैं कभी भी कोई भी काम किए तो निगेटिव नहीं थी और उसमें भी एक अच्छा मेहनत की एक अच्छे पोजिशन गए वहाँ से गाड़ी भी लिए थे और लाइफ अच्छा चलने लगा कुछ कर्जदार भी खत्म हुए कर्ज देना लोगों को देना शुरू किए इस तरह से चल रही थी लेकिन जब तक दो तीन बच्चे भी हो गए उस कंपनी में कुछ दस वस साल शायद काम किए थे और जब वो कंपनी बंद हो गई तो फिर कही कहीं ना कहीं कुछ दिन के लिए हुआ था ये चीज़ तो कहीं ना कहीं हम फिर वहीं पे आ गए जहाँ से चले थे Hmm. उस टाइम पे फिर टॉप टाइम इसलिए और ज़्यादा हो गया क्योंकि उस टाइम ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई थी आ, बच्चे हो गए थे उनकी स्कूल जाना शुरू हो गए थे तो बहुत सारे चैलेंज फिर आने लगे तो अब ये हुआ कि जॉब तो इतना जल्दी मिलता नहीं क्योंकि वो जॉब क्विट कर दिए थे जॉब छोड़ के फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग करने लगे थे यहाँ पे उनको फ्यूचर दिखा क्योंकि इतना ज़्यादा कर्ज था तो जॉब से तो पूरा नहीं हो सकता था ये चीज़ समझ में आ गई थी और पार्ट टाइम करके कोई पार्ट टाइम कुछ ही टाइम कर पाएगा आ, बहुत अगर अच्छा अर्निंग लेना है एक अपनी अच्छे वो देख न, देना है तो वहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज आता है तो अब क्या करें बहुत सारे बिजनेस किए लेकिन एक चीज़ ये है कि डायरेक्ट सेलिंग जो किए है वो बिजनेस नहीं कर पाता है hmm. <laughs> तो फिर दूसरी कंपनी में काम करना शुरू किए और वहाँ पे काम करने लगे बहुत मेहनत किए थे और उसी का नतीजा था कि एक कम टाइम में एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे क्योंकि एक जगह से जब हम एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ के ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो लाइफ में हमारे काम आता है yes. तो जब सेकेंड टाइम शुरू किए तो वहाँ पे फिर मतलब काम अच्छा चला और बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुँचे वहाँ पे अर्निंग भी बहुत अच्छी हुई और एक हम जो सपने थे पूरे हुए वहाँ से दो गाड़ी लिए एक लग्जरी भी लिए और ज़्यादा कुछ अभी नहीं कर पाए थे समझिए कह सकती हूँ कि इतना अच्छा हुआ था कि जो कर्ज था वो ख़त्म हो गया था अब स्टार्ट समझिए एक तरह से किए थे कुछ कि हाँ अब अपने फ्यूचर के लिए सोचना शुरू किए थे वहाँ से एक घर लिए जिसमें हम प्रजेंट में रह रहे हैं और अच्छा बड़ा घर है तो बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे रहे थे उनकी सारी ज़रूरतें पूरा हो रहा था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि जब कोविड आया तो उस टाइम पे उनकी डेथ हो गई अब लाइफ तो वहीं पे आके फिर से रुक गई क्योंकि तीन बच्चे थे और इसमें फरीदा जी एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कोविड ने हालांकि पूरी दुनिया को बहुत परेशान किया जी और कुछ ऐसी चीज़ें भी आई कि कोविड नाम की कोई चीज़ नहीं है ये क्रिएट किया गया है सब चाइना के द्वारा हमने विश्व रूप राय चौधरी जी का इंटरव्यू लिया था उसी दौरान तो उन्होंने बोला कि को ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है सब ये ड्रामा है और ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये सब क्रिएट कर रही है रजवान को मैं चूँकि पर्सनली जानता था तो वो देखने में भी फिट थे एक्सरसाइज वगैरह भी करते थे तो ऐसा आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ कोविड की वजह से कुछ हुआ कुछ ऐसा ध्यान अरे आपको जो घटना देखिए सबसे बड़ी बात है वो कोई भी कुछ भी फिक्स किए थे लेकिन अपने यहाँ इतना बड़ा नुकसान तो हुआ वो अगर मैं फ़िट रहने की बात करूँ तो पाँच साल से उनको फ़ीवर भी नहीं हुआ था और पहले उनको हेल्थ इशू रहते थे लेकिन जब सप्लीमेंट पे गए तो उससे उनके हेल्थ बहुत अच्छी हो गई थी अब तो जिम और ये सब भी वेट भी बहुत कम कर लिए थे तो फीवर तो था अब वो हम डॉक्टर जो बताते थे हम उसी को कह सकते हैं और उस टाइम पे जब सेकेंड वेव आया था तो ऐसी कंडीशन थी बड़े बड़े लोगों की भी कि हम उस पर कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं hmm. जो आप अगर पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो वो जैसे मैं हम जब जिस टाइम पर हॉस्पिटल में उनको डाले भेजे थे उस टाइम उनको फ़ीवर नहीं था अच्छा कोविड पॉजिटिव आ गया था फीवर नहीं था नहीं पॉजिटिव तो नहीं आया था क्योंकि टेस्ट ही नहीं हो रहा था अच्छा फिर हॉस्पिटल में क्यों लेके गए ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया अच्छा, था अच्छा, ओके मतलब ऑक्सीजन लेवल बहुत और उसका भी एक रीज़न है कि अब पता नहीं मैं तो खैर उस चीज पे जाती नहीं हूँ अब उसको सोचती नहीं हूँ लेकिन जो ये घर में जो सिलेंडर आते थे ना लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था इसलिए मुझे लगता है कि उससे लोगों का नुकसान ज़्यादा हुआ जो ऑक्सीजन के सिलेंडर आते थे। घर पे जैसे अब हॉस्पिटल में लोगों को जगह नहीं मिल रही थी तो जब ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा तो घर पे लोगों को सिलेंडर लेके और वो ऑक्सीजन पूरा करने कोशिश किया करते थे जैसे मैं भी वो चीज़ की क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था उससे अब वो उस सिलेंडर में ऑक्सीजन कौन सा है हमें तो नहीं पता था तो वो चीज़ लेकिन करना पड़ा क्योंकि हम अपने घर पे किसी भी पर्सन को चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हैं तड़पते हुए नहीं देख सकते हैं hmm. तो हम बहुत ऑप्शन सोचे मेरी जो बड़ी बेटी है वो अट्ठारह साल की उसी साल हुई थी हम बहुत पूरी पूरी रात सर्च करते रहते थे कहीं से हमें ये भी पता चला कि कुछ लोग हैं जो आई का सेटअप कर रहे हैं hmm. उसके लिए भी हम कोशिश किए लेकिन वो हमें इधर पता चला उधर स्टॉक आउट हो गया मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी आ, ये 2021 में मार्च और अप्रैल की बात है अप्रैल में हस्बैंड की जब मेरी डेथ हुई उस टाइम पे मतलब बहुत बुरी हालत थी आ, हम जिस हॉस्पिटल में भेजे थे नाम तो नहीं वो करना चाहूँगी जो भी था लेकिन जितने लोग सुने सब मना किए थे लेकिन ऑप्शन नहीं था नहीं कर, रोक सकते थे कि मैं ये कहती कि उस टाइम पर आप, आप ये सोचिए कि घर पे कुछ होता तो hmm. नहीं मैं पूरी मतलब पूरी लाइफ मुझे निगलेक्ट करती कि मैं हॉस्पिटल भेज दी होती तो।, hmm. तो लोग ये चीज़ कहते हैं कि जैसे किसी को भी जब पता चलता कि जितने लोग हॉस्पिटल गए नहीं बचे अब उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं तो खुद लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हम अपने घर पे किसी को अपने फैमिली मेंबर को घर पे तड़पता हुआ नहीं देख सकते हैं हम हॉस्पिटल बना ही किस लिए है तो मैं तो मानती हूँ कि इंसान की अगर लाइफ है तो कुछ ना कुछ तो हो जाता है कि आ ही जाते हैं और उससे पहले जब दूसरी कंपनी में थे जब डेंगू का इसी तरह से हुआ था तब भी बहुत क्रिटिकल उसमें पहुंच गए थे हॉस्पिटल में लेकिन ज़िंदगी थी तो वापस आ गए थे तो इस चीज़ को तो मैं सोचती ही नहीं हूँ कि क्या कहें लेकिन लोग का जो ये क्वेश्चन रहता है तो वो तो मैं नहीं मानती हूँ जी रिजवान जी नहीं रहे उसके बाद में जिंदगी में क्या बदलाव आया बहुत सारी चीज़ें बदली जब उनकी डेथ हुई आ, एक चीज़ देखी कि हमारे ना अगर अर्निंग पर्सन जिसको भी कुछ हो जाता है उनकी फैमिली में अगर बच्चे हैं बीवी है तो उनके घर वाले ही उनको आगे नहीं आने देते मतलब कुछ नहीं मदद करते हैं मैं अपने भी देखी मेरे यहाँ हर कोई आता था और बहुत से लोगों में मना भी की थी क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि मुझे ये टेंशन रहता था कि मेरे बच्चों को ना जाए कुछ लोगों को बुरा भी हुँ, लगा हुँ, लेकिन एक चीज़ इतनी बड़ी चीज़ मैं खो दी थी और कहीं ना कहीं डर था कि कहीं मेरे तीन बच्चे उनको ना कुछ हो तो कुछ लोगों तो मना करती थी मैं कि मत आओ आओ अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन नहीं है कि घर पे आया जाए लेकिन जो बहुत नज़दीक के थे मैं देखी कि पैसे थे ना कोई नहीं किसी मदद करता है hmm. मेरे यहाँ दूध आता था तो वीकली लेते हैं और उसका मुझे नहीं पता था एक महीने पहले के एडवांस भी था उस दूध वाले का और संडे को उस नहीं मंडे को उसका वीक पूरा होता था तो वो पैसे लेता था सैटरडे को देना बंद कर दिया hmm. आप सोचिए जिस दिन हस्बैंड की मिट्टी हुई थी उस दिन मेरे यहाँ दूध नहीं आया मेरी सिस्टर थी तो मुझसे कही कि क्योंकि वो पहली बार मेरे यहाँ आई थी तो मुझसे कही तो मैं कही अब क्या करूँ तो मैं खुद उसको फ़ोन करके कही तो कहने लगा पैसा कौन देगा मतलब आप सोचिए कि एक दिन पहले ये चीज़ हुआ घर के नीचे ही ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं था वो दुकान घर के नीचे ही था और वो पैसा वो नहीं दिया तो मैं कही मैं दूंगी आप दो तो मतलब सारा खर्चा अगर निकल सकता है क्या तुम्हारा रुकेगा नौ सौ सत्तर रुपया तो लोग ऐसे छोड़ देते हैं लोगों का साथ वही चीज़ घर में भी होता है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसे टाइम पे घर वाले छोड़ते हैं सगे भाई सगे भाई की वाइफ को छोड़ देते हैं हेल्प नहीं करते उसका एक रीज़न ये भी रहता है कि अगर आप आपके घर में मान लिए दस हज़ार आप कमा रहे हैं और कहीं आपके भाई के यहाँ या बहन के यहाँ को होता है तो इंसान करना चाहता तो भी नहीं कर पाता उसका एक रीज़न है कि वो अपना खर्चा कैसे निकाल रहा उसको पता yes. तो वो वहाँ पे वो कर लेता है कि अगर मैं उनका आज मदद करूँ तो कल भी करना पड़ेगा और ये चीज़ मैं देखी हूँ मेरे यहाँ सब कुछ आते थे जैसे जो आते थे चॉकलेट लाते थे फ्रूटी लाते थे फ्रूट लाते थे सब कुछ लाते थे लेकिन एक सिंगल बंदा भी ये नहीं पूछा कि तुम्हारे घर का खाना खर्चा कैसे चल रहा है कोई नहीं पूछा तो डायरेक्ट डे, से लिंक तो रेगुलर आ रही रेगुलर आ रही थी सर लेकिन क्या पता था कि आएगी ही ये बाकी लोगों को नहीं मालूम आपको था विश्वास कि हाँ आएगी मुझे विश्वास था इसलिए कि बहुत सारे लोगों की स्टोरी कहीं ना कहीं सुनती थी देखती थी मैं पहले भी ज़्यादा गाने नहीं सुनती थी मैं कोई सीरियल नहीं मुझे ये सब सुनना देखना पसंद था तो लेकिन जब तक अपने ऊपर नहीं पड़ता जब तक विश्वास भी आधा अधूरा ही रहता है जी। और वहाँ से हर तारीख के दस तारीख को पे आउट आता है तो आया था लेकिन सामने वाले को कैसे पता किया ही रहा है उनका फर्ज बनता था ऑफर करने का ना लेकिन आज तक कोई नहीं मैं तो एब्जर्व कर ही रही थी मेरे बच्चे भी कर रहे थे और इसलिए मेरी बेटी को बड़ी वाली चॉकलेट बहुत पसंद है वो जब आता था तो उसको खाती नहीं थी चॉकलेट नहीं खाती थे हाँ मतलब वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचती थी तो एक दिन ऐसे हम बैठे बात कर रहे थे तो कहने लगे कि मम्मी सब लोग ये ये चीज़ लाते हैं लेकिन कोई हमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चल रहा है तो मैं कही कि आप भी ये चीज़ सोच रही हो तो कह रही है। हाँ तो ये चीज़ होता है दुनिया में हर किसी के यहाँ और आज तक वो चीज़ है कि कोई नहीं वो क्या लेकिन मैं ऊपर वाले का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि अगर जॉब ही कर रहे होते पैकेज कितने का भी होता है एक करोड़ का भी होता लेकिन वहीं पर वो चीज़ ज़ीरो हो जाता कम से कम ऐसे बिजनेस में थे कि वो आईडी मेरे उस पर उसकी मतलब दस दिन के अंदर ही ट्रांसफ़र हो गई और मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा कुछ नहीं करना पड़ा पैसे आने लगे और हमारे में चार महीना दस दिन निकला नहीं जाता है उस बीच के भी बहुत सारे टाइम देखी किसी का आ, कभी कंधा नहीं मिला कि मैं सर रख कर रो दूँ बहुत सारी चीज़ें देखी बस एक चीज़ समझ में आई थी कि मुझे अपने बच्चों को आ, अपने मेहनत से पालना है किसी का ना तो मुझे एहसान लेना है ना किसी का दिया हुआ अपने बच्चों को खिलाना है कभी नहीं निकली थी कुछ नहीं की थी मुझे घूमना पसंद नहीं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना पसंद नहीं लेकिन सब कुछ मैं पीछे कर दी और एक चीज़ सोच ली थी कि अपने बच्चों को मैं कभी भी किसी के सहारे नहीं छोड़ूँगी मेरे मुझे सरकार से भी ऑफर हुआ उस टाइम पर मैं निकलती नहीं थी कुछ ये नहीं जानती थी कि आगे कितना कर पाऊँगी क्योंकि बोलने ही नहीं जानती थी आज तो यहाँ पे बैठ के इतना भी बोल रही हूँ और नहीं तो मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था बोलना <laughs> तो लेकिन तो वहाँ से सरकार के तरफ से मुझे जिसे कोविड में दे रहे थे पचास हज़ार का ऑफर आया तीन से चार बार लेडीज़ को भेजे लेकिन वहाँ पे सबसे पहला स्टेप मैं यही उठाई मैं कि नहीं ये पैसे को मैं उंगली नहीं लगा सकती हूँ मैं किसी को बेच कैसे सकती थी सौदा तो नहीं कर सकती थी ना, अगर सरकार चाहती तो जो आज ठीक है नीड है सबको लेकिन उसी पैसे का अगर चाहती तो पहले से इंतज़ाम कर सकती थी और कितना घर बच सकता था उस पर भी मुझे बहुत मेरे ऊपर प्रेशर पड़ा बहुत सारे रिलेटिव जो कभी फ़ोन नहीं करते थे फ़ोन करके समझाने लगे नहीं ले लो ये है वो है मैं कहीं मैं उंगली नहीं लगा सकती हूँ पचास हज़ार से मेरी कोई जिंदगी नहीं बन जाएगी जो मेरे बच्चों के एक महीने खर्चा नहीं है सर मेरे बेटे का फोर्टी सेवन थाउजेंड समथिंग कुछ स्कूल की फीस जाती है ऐसे hmm. स्कूल में पढ़ रहा है hmm. छोटी बेटी भी उस टाइम स्कूल थी बड़ी वाली का उसी साल इंटर हुआ था तो उस वो पैसा मेरा कितना दिन चलता लेकिन सच बताऊँ मुझे बहुत खुशी होती है मैं आज भी मुझे दिल से तसली हुआ वो पैसे को मैं मना करके और तीन बार मेरे यहाँ लेडीज आई समझाने के लिए सिग्नेचर लेके गई मैं कि मैं ले ही नहीं सकती हूँ और मैं नहीं ली और मुझे बहुत खुशी है मतलब दिल से मुझे सुकून हुआ उसको मैं रिजेक्ट करके तो 2021 में ये घटना घटी आज हम 2024 में हैं तेरह साल हो गए हैं लगातार आपको पैसा मिल रहा है रिजवान जी ने जो काम किया था मेहनत किया बिल्कुर, था बिल्कुल और एक तो हुआ फाइनेंशली सपोर्ट आपको मिला जी फाइनेंशली सपोर्ट के साथ साथ में उस समय इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत रहती बहुत। है तो क्या आपको लगता है चूंकि रिजवान जी डायरेक्ट सेलिंग में थे टीम थी लोग थे अपलाइन डाउनलाइन थे कंपनी थी वहाँ से भी आपको फाइनेंस के साथ में इमोशनल सपोर्ट भी मिला जी जब मैं निकली तो निकलने का थोड़ा छोटा सा रीज़न बताऊंगी मेरी बेटी का दो चीज़ था मेरी बेटी का उसी साल बड़ी वाली का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था रिजल्ट निकला इनके पापा कहते थे कि तुम्हारा नाइन्टी टू पॉइंट प्लस रिजल्ट आएगा एग्जिट वही हुआ नाइन्टी टू पॉइंट सिक्स परसेंट उसका रिजल्ट था आ, कौन सी क्लास में ट्वेल्थ, ट्वेल्थ क्लास में, में, ट्वेल्थ में जी, जी बड़ी वाली का और एक तरफ़ खुशी भी हुआ उससे ज़्यादा दुख हुआ इमोशनल हुए उस दिन में बच्चों को मेरे तीनों थे बैठे थे कि रिजल्ट आया होता है वो भी बोर्ड का तो मैं वो रोने लगी तो उसको मैं कंधे से तीनों को लगाई मैं कही कि, कि कभी भी बेटा जबकि मैं उस टाइम पे तो सोची भी नहीं थी मैं करूँ क्या मैं डायरेक्ट सेलिंग के तरफ अगर देख रही थी कहीं ना कहीं तो देखिए अपना अकेले हो तो इंसान कहीं ना कहीं पीछे हो जाए कुछ चीज़ों का ऑप्शन ढूंढता है कि मैं मैके चले जाओ या मैं ससुराल से थोड़ा सा दूरी पे आ गई हूँ रहने तो उस घर पे चली जाऊँ लेकिन मुझे वो ऑप्शन भी नहीं लेना था क्योंकि अगर मैं मैके जाती तो आज के टाइम पर मुझे वो फ्रीडम नहीं था कि मैं अपने बच्चों के लिए कितना भी आपके यहाँ है लेकिन वो चीज़ नहीं है कि जो आज मैं कर पा रही हूँ दूसरे मैं ही मैं फिर से डिपेंड हो जाती तो वो तो मुझे जान जानती थी मैं तो इसलिए मैं उधर भी नहीं जा सकती थी इधर भी जाती तो कितना कि, दिन के लिए hmm. तो दोनों ऑप्शन तो मेरे लिए ये था ही नहीं मैं शुरू से जब थोड़ा सा मतलब शांत हुआ मन कि आगे मैं क्या करूं तो डायरेक्ट सेलिंग के तरफ भी मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मैं निकलूँ या ना निकलूँ और ना निकलूँ तो करूं क्या तो उस दिन बच्चों से कह तो दी लेकिन उस दिन से मेरे माइंड में थोड़ा सा और हलचल हुआ कि करूँ क्या कैसे करूँ क्योंकि आज के टाइम पे अगर जॉब भी ढूंढो तो उतना नहीं और बच्चे इस एज पे थे एक लग्जरी देखे थे कि जो चीज़ मुंह से निकलता था वो अगले दिन ही पूरा होता था उस एज पे थे अगर छोटे रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनको एक कह देते दे हैं कि चलो इतने में जियो वो फिर सरवाइव कर लेते हैं बड़े हैं तो वो अपना दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं लेकिन ये जो बीज के होते हैं इनके लिए बहुत टफ टाइम रहता है फिर एक दिन क्या हुआ कि उस टाइम पे मेरी इद्दत पूरी हो गई थी लेकिन मैं निकलना शुरू नहीं करी थी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ डायरेक्ट सेलिंग में इतना देखी थी कि बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को पहचानना बहुत जरूरी है जो कि मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था तब तो मेरी बेटी कहने लगी कि वो जूम पे मीटिंग स्टार्ट कर दी थी बड़ी वाली लड़की बेटी, लेने बेटी, बेटी ने स्टार्ट कर दिया था ज़ूम पे साइड में तो मैं बैठती थी चूँकि मैं किसी के सामने नहीं जा सकती थी उस टाइम पे लेकिन रोना बहुत आता था, था उसको देख के और उसकी आँखों में एक डर देखी थी मैं कि कहीं ना कहीं मम्मी तो कर नहीं पाएंगी और कहीं ना कहीं मेरा फ्यूचर ख़त्म है उनके पापा का भी और उसका सिर्फ़ एक ड्रीम था कि मुझे एम करना है और बाहर से वो भी वही चाहते थे और बड़ी वाली बेटी भी तो वो चीज़ उसको कहीं ना कहीं ये था कि मेरा तो फ्यूचर ख़त्म है क्योंकि मम्मी तो करेंगी नहीं और सारी जिम्मेदारी मुझे निभाना पड़ेगा वो ये भी देख रही थी कि कोई आगे बढ़ा नहीं अगर ये पैसे आ रहा तो कितना दिन बहुत सारे क्वेश्चन थे जी। क्योंकि जब हम किसी को सुनते हैं तो एक सुनी सुनाई बात लगती है लेकिन जब अपने ऊपर कोई चीज़ होता है तो वो हमें रियलिटी पता चलता है कि क्या हकीकत है भले से सुने रहते हैं वो भी हकीकत ही रहता है लेकिन उतना हम उस चीज़ को पे नहीं जा सकते हैं जी। तो वो कहने लगी कि मुझे लगता है कि पापा मेरे अट्ठारह साल के होने वेट कर रहे थे और उस दिन उसके वो जो वर्ड थे ना इतना ज़्यादा मुझे चुभा कि मैं बता नहीं सकती हूँ उसी वक्त मैं अपने जेठ को फ़ोन की और मैं कही भाई कल दो दिन बाद शायद मीटिंग थी तो मैं कही कि मैं आऊँगी उस मीटिंग में तो कहने उस जब तक मैं अपने जेठ के सामने भी कभी नहीं गई थी मतलब उस इद्दत पूरी हो गई थी तो भी इतना हिम्मत नहीं पड़ती थी कि क्या करो hmm. तो कहे ठीक है तो उस मीटिंग में जब मैं गई तो पहली बार इस तरह से स्टेज पे चढ़ी थी और कुछ नहीं दिख रहा था बस एक चीज़ दिख रहा था कि हाँ आज से मैं शुरू कर रही हूँ कितने लोग बैठे हैं क्या है कुछ नहीं वो हुआ था और उस दिन से स्टार्ट करी और फिर मोरल सपोर्ट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मिला जब हम लोगों के साथ रहते हैं ना तो कहीं ना कहीं चीज़ें धीरे धीरे अपने अंदर का लोगों को से बात करके कम होती हैं अगर आज मैं घर पे रहती तो शायद बीमार हो रही थी बहुत सारे बीमारी हो जाती बहुत सारे चीज़ों पे फाइनेंसर भी परेशानी आती पता नहीं क्या होता लेकिन उस दिन जब निकली तो मैं ये सोच के निकली थी कि मुझे करना है और उसी दिन से मैं स्टार्ट कर दी कम मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला अप्लाइंस से फिर धीरे धीरे मिली इस तरह से करके सर्कल बनते गया जिससे मैं कभी भी नहीं देखी थी नहीं जानती थी उन लोगों से भी सपोर्ट मिला तो बहुत सपोर्ट मिलता है बच्चे अभी ठीक महसूस कर रहे हैं बहुत बहुत खुश हैं बच्चे और बेटी का मैं मतलब बहुत खुश होती हूँ अभी आके इक्कीस तारीख को ही फिर से गई है एम बी बी एस कर रही है बाहर से और सेकेंड नंबर की जो बेटी है देहरादून में एक अच्छे कॉलेज में वो भी ग्रेजुएशन अपना कर रही है और बेटा उसी स्कूल में है जिसमें पहले था तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं अगर ये सब कर पा रही हूँ तो इसी एक जो ये डायरेक्ट सेलिंग है इसी के वजह से मैं कर पा रही हूँ अपना भी अगर बिजनेस कर रहे हो तो शायद इतना सपोर्ट मुझे नहीं मिलता जी फरीदा जी डायरेक्ट सेलिंग को लेके हालांकि चीज़ें भी बेहतर हो रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स भी आ गए हैं बहुत सारे अच्छे एग्जांपल भी हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग से अच्छी लाइफ को सेट कर लिया है लेकिन उसके बावजूद भी इनिशियली जब डायरेक्ट सेलिंग में कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है काम करता है शुरुआत में पैसा नहीं आता है तो बहुत बार घर से ही विरोध स्टार्ट हो जाता है अगर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को इन्वॉल्व नहीं किया है तो उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है शुरुआत में तो ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे स्पेशली जो घर में उतना सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं अपने हस्बैंड को जी ये चीज़ मैं मैं भी अपने पे भी कहना चाहूँगी जब मेरे हस्बैंड करते थे तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि मैं करूँ लेकिन जो मेरा नेचर था उस वो कभी सामने से कहे नहीं तो उसका एक कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि जेंट्स में थोड़ी सी कमी है क्योंकि जो लेडीज निकलती नहीं है जैसे मैं नहीं निकलती थी लेकिन कभी मैं अगर सोचती थी तो मुझे अंदर से क्या रोकता था टाइम कि अगर मैं मीटिंग में जाने लगूँ तो घर का क्या होगा बच्चों का क्या होगा लेकिन जब मैं निकलने लगी तो मैं एक चीज़ देखी कि जो लीडर हैं तो लेडीज अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों डेली नहीं निकलते हैं जैसे कभी खाली हस्बैंड चले गए कभी वाइफ चलेंगी कभी दोनों चले गए मतलब टाइम के हिसाब से वो चीज़ एडजस्ट हो जाता है तो वहाँ पे अगर जो हसबेंड हैं जो जेंट्स थोड़ा सा अगर ये चीज़ अपने घर में समझाए ना तो मुझे लगता है कि हर लेडीज निकलेगी कभी कभी करके फिर फिर वो फुल टाइम होंगी क्योंकि कहीं ना कहीं हमें घर भी देखना रहता है जी। तो खाली बच्चे नहीं जैसे घर में और भी फैमिली हैं तो उनका भी हमें एक हमारी एक जिम्मेदारी रहती है तो वो रोज़ नहीं मैनेज हो पाता लेकिन धीरे धीरे हो जाता है तो मुझे लगता है कि जो जेंट्स है ना डेली के नहीं थोड़ा थोड़ा करके अगर निकालेंगे जैसे कोई बड़ा इवेंट है कहीं होम मीटिंग है hmm. तो वहाँ पे लेके चले जाओ कुछ नहीं तो छोटा सा एक दो बार जाएं, जो हैं वहाँ पे छोटा सा कोई डेमो दिखा दें तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है फरीदा जी एक प्रश्न लेता हूं मैं और ये प्रश्न पूछा है आ, राज रॉय बेंगलोर ने प्रश्न पूछा है जी। महिलाएं प्रभाव में आके जुड़ तो जाते हैं लेकिन परिवार या समाज के दबाव से काम करने की सोच नहीं पाती तो चूंकि आप खुद एक महिला रही हैं और आपने भी इन परिस्थितियों से आप गुजरे हैं जी तो क्या कहना चाहेंगे आप मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी आज के टाइम अगर देखा जाए तो लेडीज़ अगर जुड़ गई हैं या नहीं जुड़ी तो भी जुड़ना चाहिए हम अपने बच्चों से कहते हैं बहुत प्यार करते हैं या अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं जेंट्स से ज़्यादा मैं इसको लेडीज़ को मानूँगी तो अपने टाइम को अगर मैनेज करते हुए करेंगी जैसे कोई भी फैमिली में है तो हम उन क्यों नहीं निकल पाते हैं या कोई काम कभी जब से जॉब भी करी अगर लेडीज़ करती हैं तो भी उनके साथ टाइम का बहुत चैलेंज रहता है लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में शायद ये नहीं रहता है हम टाइम को मैनेज करके करते हैं जिस टाइम हमें टाइम मिला अगर सुबह मान लीजिए मुझे 11 बजे का कहीं जाना है तो सारा काम करके मैं 11 बजे फ्री हो जाती हूँ या नेक्स्ट डे में 3 बजे कहीं जाना है तो मैं तीन बजे फ्री हो जाती हूँ लेकिन जब हम जॉब पर जाते हैं तो दस बजे जाना है तो जाना है तो वो एक रूटीन बना रहता है और इसके लिए हम रूटीन नहीं बनाते हैं तो अगर ये एक रूटीन बना लें कि हमें नेक्स्ट डे कौन सा टाइम निकालना है लेकिन सुबह से शाम तक ऐसा होता है कि हम दो घंटा निकाल सकते हैं और धीरे धीरे करके उसको करें कभी ऑनलाइन भी कर सकते हैं तो हर लेडीज कर सकती है लेकिन वो निगेटिव ना हो उस चीज को ऐसे समझें कि जैसे हमें तीन टाइम खाने की जरूरत है तो ये भी बहुत जरूरत है अगर हम अपने आने वाले जनरेशन से प्यार करते हैं तो मुझे लगता है ये फील्ड में हर फैमिली में से एक पर्सन को होना चाहिए तो अगर महिलाएं खुद समय निकालने मैनेज कर बिल्कुल लेकिन अब प्रश्न इनका ये है कि परिवार और समाज उसका जो प्रेशर रहता है कई बार जी वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो उसके लिए क्या कर सकते वही बता रही हूँ देखिए परिवार क्यों नेगेटिव होती है उसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं जो लेडीज़ होती हैं वो टाइम नहीं देती उन्हें मुझे जाना है लेकिन उनको उस चीज़ का मौका ना दो तो कुछ दिन ये चैलेंज रहता है उसके बाद में फिर ये मैनेज होता आता है और समाज की बात करें तो सर समाज तो कभी नहीं खुश होता है <laughs> चाहे वो कोई भी काम आप करिए तो समाज नहीं जब आप तरक्की कर लेंगे एक मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो वही आपको अप्रिसिएट करते हैं मुझे भी मैं निकली तो बहुत सारे क्वेश्चन आए और कि अगर आ रहा था तो क्यों निकली हमारे में नहीं करा जाता बहुत सारे लोग क्वेश्चन किए मतलब कभी कभी तो मैं इतना डिप्रेशन में आ जाती थी सोचती थी क्या करूं आज भी कभी कभी होता है लेकिन सिर्फ एक चीज़ मुझे याद रहती है मैं क्यों निकली हूं पैसे तो आते क्योंकि टीम बहुत बड़ी थी कम आते ज़्यादा आते लेकिन आते तो इस चीज़ को ना भूलो धीरे धीरे अपना करते रहो वो चीज़ लाइफ के साथ हर हाँ में रहता जॉब जो करती हैं क्या उनके साथ नहीं चैलेंज आता है तो उसको मत सोचिए कोई भी है और मैं तो यही कहूँगी जब अपना ये चीज़ सेट करो कि मेरे मैं क्यों आई हूँ क्यों का जो अपना से क्वेश्चन का आंसर देंगी ना तो मुझे नहीं लगता किसी के कहने पर तो कभी आना नहीं चाहिए फैमिली भी अगर मैं बात करूँ फैमिली में तो वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करती है मुझे भी पता है लेकिन जब हम उनको उस चीज़ को कहने का मौका नहीं देंगे तो ये चीज़ थोड़ा सा कम हो जाता है थैंक यू सो मच फरीदा जी आपके कमिंग uh, सून के एंट्रू <laughs> पे किसी ने एक कमेंट किया था अनिल शर्मा ने आज के सेशन में ये समझ में आएगा कि हमको हम सबको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए तो मुझे लग रहा है कि सबको ये समझ में आ गया होगा और रॉयल मनोज वर्मा ने लिखा था फरीदा मैम को बुलाने के लिए धन्यवाद बहुत से लोगों को कुछ नई प्रेरणा मिलेगी जी। और आपकी जिस प्रकार की कहानी है और जिस भावना के साथ में जिस सिम्प्लिसिटी के साथ में आपने इसको दिल से बताया है तो निश्चित रूप से ये लोगों के दिलों तक जाएगी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार से एक और बड़ा उदाहरण बनिए इंडस्ट्री के लिए और रिजवान जी जहाँ से छोड़ के गए थे उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं बच्चे भी बिल्कुल प्रेरित होंगे और आप बहुत सारी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल का काम कर रहे हैं आपने फरीदा जी समय निकाला सभी व्यूवर्स की तरफ से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सो मच सो so, ये थे फरीदा खान जी जो इस चीज़ का उदाहरण है कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसिव इनकम आती है और न केवल मात्र इनकम आती है आपको भावनात्मक रूप से भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है सपोर्ट मिलता है अगले मंगलवार को रात्रि आठ बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत धन्यवाद